नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे यूएई के बारे में। जी हाँ भाई, यूएई का नाम इसलिए लिया, दुबई का नाम इसलिए नहीं लिया कि हम पूरी यूएई के बारे में बात करेंगे कि इंडिया से एक माइंड में बात घुस जाती है कि दुबई जाना है जॉब के लिए। जी हाँ, और लगभग आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है विजिट टू वर्क। जी हाँ, ऑफिस वालों ने भी अच्छा प्रोसेस ढूंढ लिया। हालांकि कंपनियों को आप महंगे पड़ते हैं, इस बात का ध्यान रखिए, विजिट टू वर्क कंपनियों को महंगे पड़ते हैं। 2000 दराम एक्स्ट्रा लगता है कंपनी को, ज़्यादा पैसे दे भरने पड़ते हैं आपके लिए। आप विजिट में जाते हैं तो आपको देखिए वहाँ पे क्या प्रॉब्लम आती है। दुबई में जाते हैं, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आते हैं इस पे, हालांकि दो वीडियो बना चुका हूं मैं पहले से, अभी भी आपको दिक्कत आती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पे हम बात करेंगे कि अगर आप यूएई में जाते हैं तो सबसे आसान तरीके से जॉब कैसे मिल सकता है उसी सैलरी में, कम पैसे में, कम खर्चे में। जी हाँ, रहना भी कम, खर्चा भी कम, तनख्वाह भी ठीक आपको मिल जाए जितना दुबई में मिलता है, और वो जल्दी से मिल जाए और आपको परेशान ना होना पड़े। अगर आप यूएई में रहते हैं तो उनके लिए भी ये जानकारी हेल्पफुल हो सकती है, अगर आप थोड़ा सा माइंड इस्तेमाल करते हैं तो। जी हाँ, डिटेल से हम बात करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो कर लीजिएगा ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जैसा कि हमने पहले बात कर ली कि यूएई में जाके सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपको कंपटीशन का सामना करना पड़ता है, जॉब कम है, भीड़ ज्यादा है, आपका खर्चा ज्यादा होता है, चाहे वो रहने में मान लो, रूम रेंट मान लो, या आपका फूड आपका खाने में मान लो, या एक्स वाई जेड आपका जो ट्रेवल है खर्चा वो भी आपका ज्यादा लग जाता है। बहुत सारे लोग चक्कर काटते रहते हैं, जॉब नहीं मिलता। बहुत सारे लोगों के कमेंट आते हैं, सर मैं गया था थक हार के वापस इंडिया आ गया, जॉब नहीं मिला। जी हाँ, लेकिन ये एक छोटी सोच हो जाती है, हो सकता है आप थोड़ा दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। जहां तक मैं सोचता हूं, दुबई गए, दुबई से वापस आ गए, दुबई में धक्के खा रहे हो, दुबई में जॉब नहीं मिल रहा है, इसका एक अल्टरनेट ऑप्शन है अपने पास में। जी हाँ, इंडिया की अगर बात करें तो भाई इंडिया बहुत बड़ी कंट्री है। सभी लोग अगर दिल्ली जाके बैठ जाएंगे कि हमें तो दिल्ली में जॉब चाहिए, तो भाई कितने एक जॉब मिल जाएंगे दिल्ली में। दूसरी बात यह कि दिल्ली सबसे एक्सपेंसिव है, आपको सबको पता है महंगा है, और इसके बजाय अब आप महंगा भी वहाँ महंगाई ज़्यादा, जॉब नहीं मिल रहे हैं तो परेशानी होगी। थोड़ा दिमाग लगा के दिल्ली के अलावा भी बहुत सारे महानगर ऐसे हैं, स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे सब कुछ है, वहाँ पे आपको जॉब भी मिलेगा, आपको महंगाई भी आपको कम मिलेगी। जी हाँ, सेम कंडीशन यूएई की बात करें तो 7 स्टेट हैं, जी हाँ, जिसमें मेन दुबई है, सब लोग दुबई को ज़्यादा जानते हैं, बाकी यूएई की राजधानी आबू धाबी है। जी हाँ, आबू धाबी मान सकते हैं, आबू धाबी एक स्टेट हो गया, दुबई 2, शारजा, अजमान, उम अल कवीन, जी हाँ, रस अल खेमा, फुजरा, जी हाँ, 7 स्टेट और 6 स्टेट और बसते हैं यूएई के अलावा, दुबई के अलावा। जी हाँ, तो भाई देखिए, दुबई में अगर आपको प्रॉब्लम आती है, जॉब नहीं मिल रहा है, इसी तरह की काफ़ी सारी प्रॉब्लम, तो आप 2 पग बाहर निकालिए, पग का मतलब समझते हैं पैर, बाहर निकालिए भाई, आप यूएई को, दुबई को छोड़ दीजिए। दुबई के अलावा जो 6 स्टेट और बताए ना, इनमें भी आपको जॉब मिलेंगे, इनमें भी सब कुछ है। आप ये समझते क्यों नहीं कि सिर्फ दुबई में सब कुछ घुसा पड़ा है, बाकी यूएई में कुछ नहीं है, 6 स्टेट और है। अबू धाबी राजधानी है, आपको पता है यूएई की राजधानी अबू धाबी है, तो स्टेट वो दुबई से हालांकि उसमें ज़्यादा मिलता है ना। राजधानी किस लिए किसी क्षेत्र को बनाया जाता है, इंडिया में दिल्ली है तो इंडिया में कुछ तो होगा, इसीलिए तो दिल्ली को राजधानी बनाया था। वो सब कुछ देखना होता है, आपको दुबई छोड़ देनी चाहिए अगर आपके साथ में ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है। और आपको इन जो 6 मैंने स्टेट बताए हैं, आबू धाबी समझ सकते हैं, शारजा, अजमान, अल कवीन, अल खेमा, फुजरा, इनमें भी आपको बहुत सारी जॉब मिल सकती हैं। वहाँ पे सबसे बड़े प्लस पॉइंट आपको पता है क्या मिलेंगे, आसानी से जॉब मिल सकती है क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन कम है, वहाँ पे भीड़ कम होती है, ये आप मान के चलिए। जी हाँ, और वहाँ पे आपका यकीन मानिए रेंटल कम रहेगा, आपका जो किराया रूम वगैरह आप लेके काम करते हैं वो आपका खर्चा बिल दुबई से कम लगेगा, चाहे वो 20% कम हो, चाहे वो 30% कम हो, आप आजमा के इस बात को देख सकते हैं। सैलरी में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, दुबई दिल्ली में जो जॉब करते हैं वो कितना कमा लेते हैं भाई, और जो जयपुर राजस्थान जयपुर में जो जॉब करते हैं वो कितना कमा लेते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। और थोड़ा बहुत आता है तो वो आपको उसमें कवर हो जाएगा जो आपका रूम का रेंट एक्स्ट्रा लग रहा है, आपका खर्चा लग रहा है, आपके एक्स्ट्रा ट्रेवल एक्स्ट्रा लग रहे हैं, उसमें वो मेंटेन कर सकते हैं आप, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो आप यकीन मानिए जिन लोगों को ये प्रॉब्लम आती है दुबई को छोड़ के, और जो 6 स्टेट हैं वहाँ पर आप एक बार ट्राई करके देखिए, आपको जॉब भी मिल जाएंगे, आपका खर्चा भी कम होगा, और आपको इन एजेंटों के बेवकूफ़ बनाने का जो झंझट है ना, इससे भी आप बच सकते हैं। अब आप सोचोगे यार कॉन्टेक्ट कैसे करें, हम तो दुबई में तो पहुँच गए लेकिन इन स्टेटों में कैसे जाएंगे,
तो ये भी एक अल्टरनेट, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है मेरे भाई, सोशल मीडिया का। बहुत सारी कंपनियां होती हैं, उनको रिक्वायरमेंट होती है, आप दुबई में हैं, वाईफाई फ्री मिल जाता है, दुबई में सबको वाईफाई फ्री मिलता है, समझ गए, वहाँ जहाँ रहते हैं वहाँ वाईफाई मिलता है, तो वहाँ आप सर्च कर लीजिए ऑनलाइन, अखबार में भी ऐड आते हैं, वहाँ लोकल अखबार है उनमें भी ऐड आते हैं, वहाँ कॉन्टेक्ट कर लीजिए। हाँ, ध्यान रखें पैसा नहीं देना आपको, अगर जहाँ पैसे मांगे जा रहे हैं वो मान लीजिए दलाल एजेंट है, वो आपका काम कम करवाएगा, पैसा ज़्यादा खाने की सोचेगा, क्योंकि जो जेन्युइन कंपनियाँ होती हैं ना, सही कंपनियाँ, वो पैसा नहीं लेती है, वो बोलती है आप आ जाओ जी, आपका किराया भी हम देंगे, आपका वीज़ा भी लगा देंगे, और आपको मकान वगैरह सब देंगे, और आप यहाँ पर काम करिए। अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको बेधड़क काम कर लेना चाहिए, और बाकी आपसे पैसे मांगे जा रहे हैं फ़ोन पर, आप पूछो कितना पैसा लगेगा, वो बता देंगे जी 1500 दिरहम लेंगे, 2000, तब उनको फोन काट देना, दोबारा फोन करने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप करेंगे तो भाई फिर वो पैसा आपको चुकाना पड़ सकता है। तो ये मैंने मेरी तरफ से एक सजेशन दिया है कि जो लोग यूएई में दुबई के नाम से भाग के दुबई जा रहे हैं, समझ गए, क्योंकि मेरे पास अगर जितने भी लोगों से बात या व्हाट्सएप या जो भी होता है मेरे पास इंक्वायरी आती है, 90% लोग दुबई के, 10% लोग भी बाहर के नहीं होते, जिसमें शारजा, अबू धाबी, रसल अल खेमा वगैरह की अगर बात करें तो एक बार आप कोशिश करके देखिए। इंडिया से भी जा रहे हैं तो भी आप वहाँ पर लिंक बना सकते हैं, अगर आप दुबई में बैठे हैं तो भी आप ट्राई करके देखिए, आपको गारंटी के साथ दुबई से आसान तरीके से जॉब मिलेगा, और कम सस्ते में, और रहना खाना वगैरह आपका एडजस्ट आप कर पाओगे, सर्वाइव अच्छी तरह से कर पाओगे। ये मेरी निजी जानकारी थी, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय।